देहरादून में किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी देहरादून टैलेंट हंट की टीम, हमारे राजेश शर्मा जी व पूरी देहरादून फिल्म फेस्टिवल की टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये एक ऐसी पहल 8 साल पहले शुरू हुई, तब से जिस तरह देहरादून आगे बढ़ा, उत्तराखंड पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, उसी तरह देहरादून फिल्म फेस्टिवल भी पर्दे के बड़े कलाकारों को धरती पे ला कर के आम लोगों से संपर्क कराना और यहाँ के नए टैलेंट को प्रोत्साहन दिलवाना, उनकी चर्चा से उनको जो सीखने को मिल रहा है, हमारे कलाकारों से, मुंबई से आए हुए सभी निर्देशकों से और प्रोड्यूसर से, यह बहुत ही खुशी की बात है। इसके अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों में आप पढ़ते आए हैं। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें पता चला कि ब्लाइंड बच्चों के लिए भी इसके अंदर स्पेशली इफेक्ट्स दिए गए, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। आज भारत में जहाँ की 53% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया जा रहा है, तो ये अपने आप में होने के लिए कम होगा कि इस आयोजन के माध्यम से हमारी कलाओं को, हमारी देश की मूवीज़ को और इंटरनेशनल मूवीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया। पुनः सबको बधाई, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज पॉलिसीज़ के आधार पर उत्तराखंड में दार्शनिक रूप में वो सब कुछ मौजूद है जो विदेशों में मौजूद है, इसीलिए उत्तराखंड सरकार की तारीफ कम होगी, कम करी जाए जितनी भी कम है, कि आज इन पॉलिसीज़ के तहत हमारे मेक इन इंडिया के पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ की पहाड़ियों में, यहाँ की नदियों में, यहाँ के सीनिक व्यूज में वो सारी चीज़ें हैं, केवल सुविधाएं नहीं थी जो उत्तराखंड सरकार अब प्रस्तुत करा रही है। उत्तराखंड टैलेंट हंट एंड आंगन बाजार, आई लाइक टू वेलकम मिस्टर सुदीप गोयका, डायरेक्टर गोल्डी मसाले एंड डायरेक्टर देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल राजेश शर्मा जी, एंड आई थिंक जजेज और हानत जी भी आ गए हैं। तो हम लोग उत्तराखंड टैलेंट हंट